जिला शिमला पिकुलर 128 की गांव आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। की चर्चा राजीव शुक्ला जी ने कहा है कि आपने करनी है, पहले हम परिस्थितियों को अंडरस्टैंड कर लें और जल्दी ही मंत्रिमंडल का गठन तो हाई कमांड करता है और जैसे ही हाई कमांड दिशा निर्देश देगा मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाएगा। सर एक्सपीरियंस और यंग का मिक्सचर होगा आपका जो कैबिनेट हो? देखिए उसमें सभी का मिक्सचर होगा, प्रोफेशनल्स का भी मिक्सचर होगा, सभी लोगों को हम आगे लाएंगे और जो भी मंत्रिमंडल आने वाले समय में बनेगा उसमें युवा भी होंगे, सभी वर्गों का सब लोगों को आगे लाया जाएगा और मंत्रिमंडल का दृष्टिकोण और जो मंत्री बनते हैं उनका क्या दृष्टिकोण होगा इस दृष्टि से भी चर्चा की जाएगी कि प्रदेश में सत्ता नहीं हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, सभी का समावेश करके मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। सरकार और संगठन का तालमेल कैसे किया जाए? बिल्कुल अच्छा तालमेल होगा। ये सवाल आप पूछकर उस तालमेल को बिगाड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि तालमेल अच्छा है और हम सब लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम सब लोग संगठन के आदमी हैं और अभी अभी मैडम प्रतिभा जी और हम सब लोग अभी यहाँ आ रहे हैं, उन्होंने अभी मुझको फ़ोन किया लेकिन मेरा मुहूर्त था तो ये राहु काल से पहले है ना मुहूर्त होता हमारी जिंदगी, उससे पहले मैंने और मुकेश जी ने कुर्सी पर बैठना, अभी हम सब बैठेंगे सभी एमएलए लोग बैठेंगे और अभी हम अपनी चर्चा करेंगे। सर आपने जो है गारंटियां दी है और बहुत बात जो है मंच पर आपने भी कहा है, मुकेश जी ने भी कहा, पहली कैबिनेट जब मुकेश जी और हमने कहा तो दोनों कब तक सर प्रदेश के लीडर हैं और जनता सुनती है उन गारंटियों को, अभी करने का आज एक दिन में तो नहीं होगा ना, अब पहली कैबिनेट में जब हमारा पूर्ण कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा उसकी पहली कैबिनेट में इन सब गारंटी योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। हमारी सरकार ट्रांसपेरेंट होगी, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हम जल्दी ही ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाने वाले हैं, जीरो टॉलरेंस इन करप्शन होगा और उस एक्ट की भूमिका मैंने कई बार की है, कहा है, उस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही इसका ब्लूप्रिंट आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बाकी आज ये ऑफिस में बात करेंगे, ब्रीफ में जानना चाहेंगे, टेक ओवर कर दिया है गवर्नमेंट को आप? अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यभार संभाला है आराम से तो यहाँ पे आज नई शुरुआत हो रही है हिमाचल प्रदेश में और जहाँ तक आप गारंटीज की बात कर रहे हैं हमने कहा है उन गारंटीज जो हमने ऐलान किए हैं उनको हम पूरा करेंगे, अगर तो कैबिनेट बन जाती है तब तो फुल कैबिनेट में जैसे इन्होंने कहा, नहीं तो हमने 10 दिन कहा है, 10 दिन से पहले चीफ मिनिस्टर प्लस डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट फॉर्म करते हैं दोनों, तो हम फैसला उस हिसाब से कर लेंगे।